Don't forget to like, share, comment and subscribe to Syed Saad. पीछे नुस्खा बगदादी लिखा है इसके रबीउल आखिर की 11वीं शब यानी बड़ी रात। सारा साल मुसीबतों से हिफाजत की नीयत से सरकार गौसे आजम अलैहि रहमतुल्लाह अकरम ये 11 नाम अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर 11 खजूरों पर दम करके उसी रात खा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सारा साल मुसीबतों से हिफाजत होगी। 11 नाम ये हैं सैयद मुहीउद्दीन सुल्तान, मुहीउद्दीन कुतुब, मुहीउद्दीन ख्वाजा, मुहीउद्दीन मखदूम, मुहीउद्दीन वली, मुहीउद्दीन बादशाह, मुहीउद्दीन शेख, मुहीउद्दीन मौलाना, मुहीउद्दीन गौस, मुहीउद्दीन खलील, मुहीउद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो आपने देखी दावत-ए-इस्लामी के अमीर मौलाना इलियास कादरी साहब ये जो कुछ यहाँ पर फरमा रहे हैं, आई पर्सनली मुझे इससे इख्तिलाफ़ है, क्योंकि अगर आप दीन की तालीमात देखें तो उसके अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जो ये फरमा रहे हैं किसी गैर के नाम के ऊपर, चाहे वो कोई हो, आप इस तरह उसके आपने खुद साख्ता नाम बनाए हुए हैं। ये इसकी कोई सनद नहीं है इन नामों की, आपने ये नाम खुद बनाए हैं। खुद इन नामों को बनाने के बाद इनको आपने ज़िक्र बना दिया और गैरुल्लाह के नाम पर किसी चीज़ को फूंक कर उसको कंज्यूम कर लेना, फिर उसको एक ऐसे मामले से जोड़ना जिसका इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है, और उसके लिए कोई हदीस भी तो मौजूद होना कि कोई अमल के लिए कि भाई किसी की मग़फ़िरत हो जाएगी यह अमल करने से, या कोई हदीस से दलील भी तो होना। इस तरह तो कोई भी कुछ भी बना लेगा और फिर उसको दीन बना देगा। यही तो बिदअत है, यही तो बेअसल बातें हैं। या मेरी कम इल्मी कि मुझे बात समझ में नहीं आई, या मेरे पास इल्म की किल्लत है इसलिए इस बात को मैं सही तौर पे समझ नहीं पाया। सवाल आप लोगों से है, ये किसी पर तनकीद नहीं है। आप मेरे इल्म में इजाफ़ा करें अगर इस मामले में मैं गलत हूँ, कि ये इस तरह के मामलात अपनी तरफ से ज़िक्र बना लेना और किसी की तरफ उस ज़िक्र को मंसूब कर देना, फिर उस ज़िक्र पर लोगों से कहना कि इसको फिर अपने खानों पर फूंको और उसको कंज्यूम करो। ये तो कुरान करीम की उन आयत की तरफ चला जाता है कि अल्लाह ने गैरुल्लाह के नाम से खाने को मना फरमाया है, तो ये तो हराम के ज़ुमरे में आ गया ना। या मैं गलत कह रहा हूँ तो मेरी तस्हीह फरमा दें। तो ये वीडियो में से शेयर की गई तो आई वाज शॉक्ड कि यार ये हम किस तरफ चल पड़े हैं। बहरहाल आप लोगों से सवाल है मेरा, मैं यहाँ पर किसी पे तनकीद करने के लिए नहीं बैठा हुआ कि बस उन लोगों की तरह नहीं हूँ मैं कि बस किसी ने कुछ डाल दिया तो बस आप उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। कहने का मकसद ये कि अगर ये राय अमल इसकी कोई दलील होनी चाहिए। मैं पहली दफ़ा ये देखा ना, वाज शॉक्ड कि ये क्या मामला है, क्या चल रहा है। आई मीन बहरहाल आई हैव नो वर्ड्स टू से। दावत इस्लामी का अपना एक काम है, वो करते रहते हैं और अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन अगर उनके साथ ये मामलात भी चलते हों तो ये तो सही नहीं है मेरा भाई। क्या दीन इन चीज़ों की इजाज़त देता है? आप खुद से सवाल करें, मैं आपको कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। बाकी लोग स्टेटमेंट्स दे देते हैं आपको, मैं आपसे कहता हूँ आप खुद से सवाल करो कि क्या इन चीज़ों की दीन में कोई जगह है? क्योंकि दीन में किसी चीज़ की जगह के लिए दलील चाहिए, और दलील होगी कुरान या हदीस, और इस मामले में हमें दोनों नहीं मिलते। बहरहाल मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू सैयद साद कादरी।